भारत में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। बुधवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2,927 नए कोरोना वायरस मामले दर्ज किए गए हैं और 2,252 लोग ठीक हुए हैं। सक्रिय मामले 16,279 हैं। इस दौरान पिछले 24 घंटे में 32 मौतें भी दर्ज की गई हैं, जिससे कुल कोविड से संबंधित मौतों की संख्या 5,23,654 हो गई है। इससे पहले मंगलवार को भारत में 2,483 नए मामले सामने आए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा मामले पाए गए हैं। जहां दिल्ली में 1200 से ज्यादा मामले पाए गए हैं, तो वहीं गुरुग्राम में भी ये आंकड़ा 400 के पार है। यानी पूरे भारत में पाए गए मामलों को आधे से ज्यादा अकेले दिल्ली NCR में हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को 1204 ताज़ा कोविड-19 मामले और एक मृत्यु दर्ज की गई है, जबकि संक्रमण दर 4.64% है। बुलेटिन में कहा गया है कि शहर में संक्रमण की कुल संख्या अब 18,77,091 है और मरने वालों की संख्या 26,169 है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।